रसोई गैस सिलेंडर 13.50 रूपए हुआ महंगा। 14.2 किलो का सिलेंडर अब मिलेगा 730 रूपए में। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर लोगों ने जताया रोष। रसोई गैस की कीमतों में बुधवार से 93.50 रूपए की बढ़ोतरी की गई है। 14.2 किलो का घरेलू सिलेंडर 1 नवंबर से 730 रूपए में मिलेगा। नई रिवाइज कीमतों की बात अब 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 146.50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1314.50 रुपए में मिलेगा। वैवाहिक सीजन में सिलेंडर की कीमतों में किए गए इजाफे की मार से लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। इससे पहले सितंबर की रिवाइज कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आम घरेलू उपभोक्ता को रसोई गैस के लिए 74 रुपए अधिक भार बढ़ा था। पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से जारी रिवाइज दरों के मुताबिक 14.2 किलो का गैस सिलेंडर की कीमत 1 सितंबर से 588 रुपए तय की गई है। रसोई गैस पर GST के लागू किए जाने के बाद फिर से बढ़ोतरी का सीधा असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा। प्रदेश के 1 करोड़ घरेलू गैस उपभोक्ताओं को नवंबर माह में सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही लोगों का विरोध शुरू हो गया है। अजमेर में लोगों ने गैस सिलेंडर को सड़क पर रखकर अपना विरोध जताया। लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के महंगाई इतनी है उसके बावजूद भी 93.50 रुपए आज सिलेंडर पर बढ़ा दिए। ये गरीबों को रोटी बनाने के लिए, बेबस करने के लिए, यार हम OBC के कार्यकर्ता आज इस घोर निंदा करते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल पे कभी 10 पैसे कभी 50 पैसे मीठी मीठी मार, किसी जनता को मालूम नहीं पड़े। आज ये सिलेंडर को 93.50 रुपए बढ़ाई है, ये बहुत बड़ी गरीब मध्य वर्ग के लोगों के लिए ये एक तरह से उनका रोटी रोजगार जो है रोटी करने का उसके लिए इन्होंने करा, ये बहुत बड़ा महंगा बड़ा किया है। मैं आपसे मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि जनता अच्छे दिन इसी कारण देख रही थी कि अब भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अब जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जो हम लोगों ने या जनता ने चुना है वो गलत हुआ है। आने वाले सरकार में हमारे यहाँ के चुनाव के अंदर इस महंगी मतलब महंगाई को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद कोई भी खड़ा हुए मान्य हमारे कांग्रेस के सांसद के चुनाव में जीतेंगे। कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस ने माननीय सचिन पायलट ने जो काम कराए हैं, माननीय अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं, जिन्होंने राजस्थान में गरीबों की पेंशन है, विधवाओं की पेंशन है, ये तक बंद कर दी है, ये जनता को कहाँ ले जाएंगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से आज ये गैस सिलेंडर पे जो बढ़ोतरी की है उसके लिए मैं बहुत गौर निंदा करता हूँ। और हम आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष OBC प्रकोष्ठ के सरमणजीत कंवर साहब ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है, उनके समस्त मैं आने वाले चुनाव उसके ब्लॉक वार्ड स्तर तक कार्यकारिणी होगा। आपके नाम महेश चौहान, OBC कांग्रेस अध्यक्ष।